नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। मैं हूं एसपी सिंह। मैं अभी राज्य बिहार जिला जमुई प्रखंड सोनो ग्राम पंचायत राज नैयाडी के अंतर्गत मध्य विद्यालय बोझायत में उपस्थित हूं, जहां उक्त विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक और टोला सेवक के बीच मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया है। आइए लिए चलता हूँ इस खबर की ओर, आप बने रहिए इंडियन टीवी न्यूज के साथ। एक मामला चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है जी। प्रभारी प्रधानाध्यापक और टोला सेवक के बीच में कुछ झड़प हुआ है, मारपीट हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो क्या कारण था कि आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और क्यों हुआ, किस बात को लेकर हुआ, ये जरा बताएंगे। 5/2024 को सर, हम क्लास 6, 7, 8 में मतलब क्लास ले रहे थे, क्योंकि शिक्षकों की संख्या उस दिन 3 ही थी। 3 शिक्षक हमारे, 2 शिक्षक लखीसराय FLN ट्रेनिंग में चले गए थे, मुन्ना कुमार साहू जी और कन्हैयालाल चौधरी जी, और एक शिक्षिका सुमित्रा कुमारी जी आपकी विशेष अवकाश में थी। तो रेखा भारती जी, शारीरिक शिक्षक रंजीत कुमार जी और मैं सर उपलब्ध था विद्यालय में। तो हम इन तीनों को 1 to 8 तक क्लास कवर करना था, तो हम 6 to 8 में सर क्लास ले रहे थे। उसी बीच इस विद्यालय का टोला से प्रकाश बहुत बिना मेरे अनुमति के क्लास में घुसा और बच्चों को उठाने लगा। हम बोले भाई ये क्लास यहाँ चल रहा है, आप कैसे घुस गए क्लास में? तो हमको पढ़ाना है बच्चों को। तो बोले ठीक है, क्लास पढ़ाना है आपको, तो अभी क्लास मेरा चल रहा है, क्लास लेने दीजिए बाद में। और आप तो बच्चे को बुलाए, आपका तो काम है बच्चों को बुलाना, टोला सेवक का काम होता है, शिक्षा सेवक का काम होता है, जो पोषक क्षेत्र के बच्चे हैं उसको बुलाना, नए नए बच्चे जो 1 में एडमिशन हुआ, 2 में एडमिशन हुआ, तो हम वो सब क्यों बुलाएंगे, हम तो पढ़ाएंगे। हम बोले पढ़ाएंगे ये ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ाना है तो 1-2 में जाकर पढ़ाइए, पढ़ाने का शौक है, वहाँ भी क्लास चल रहा है अभी। तो अभी आप तो वो इसने ना सर तूम धाम करने लगा, वो हमसे बदतमीजी करने लगा। पता नहीं, वो तो उसके पहले भी 10/5/2024 को मेरे खिलाफ में और ये अध्यक्ष के जो अध्यक्षा से श्रीमती अनीता कुमारी के जो पति है मुकेश कुमार सिंह जी और मेरे बेटे के खिलाफ में एक झूठा FIR SC/ST एक मुकदमा दायर किया भटिया थाना में। तो वो रोष होगा सर उससे, और वो विवाद करने लगा तो हमें सिक्योरिटी चाहिए था। हम बोले बच्ची सबको बोले कि लो मेरे मोबाइल से वीडियो बना लो, इसकी एक्टिविटी से हमको कुछ लग रहा है कि कुछ शंका लग रहा है। तो बनाने लगी तो फिर मोबाइल छीनने के लिए वो पूरा गाली गलौज भी किया, मतलब कि धक्का मुक्का किया। तो बनाने लगा बच्ची जो वीडियो बनाने लगी, तो फिर जो है सो वो क्या किया, हम अपना क्लास में पढ़ाते रहे, पढ़ाने के क्रम में ही सारी बातें हुई, वो बच्ची से मोबाइल छीनने के लिए जाने लगी। हम बोले भाई ये तो ठीक है नहीं है, तो फिर हम मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। हम बोले इसका नियत ठीक नहीं है और उसका वीडियो मेरे पास उपलब्ध है सर, तो वो आपका मोबाइल मेरा मुझे नीचे गिरा दिया, पटक के पाँव मेरा पीछे खींच लिया। ये सर बेंच डेस्क था, ये देख सकते हैं घाव का निशान पाँव में, ये देखिए यहाँ है सर, ये है। और पटक के सर मेरा मोबाइल, काफी कोशिश किया, जब मेरे पकड़ से मोबाइल नहीं छूटा तो उसने चार फाइट मारा, चार दांत देखे टूट गए, ये देखा जा सकता है। और आप ये संयोग से मेरे पास वो दांत भी है सर, उसको आप फोटो आप ले सकते हैं सर, आप ले लीजिए काइंडली, ये देखिए सर चार दांत, 1, 2, 3, 4 दांत सर, ये चारों दांत टूट गया। मेरे मुंह से खून काफी बहने लगा सर, लहूलुहान हो गया मुंह, बच्चे चिल्लाने लगे। उसके बाद अब जब मैं बाहर निकला सर, तो बाहर जो किसी शिक्षक ने मुझे निकाला, रसोईया भी सब आ गई थी वहाँ, और निकाला बाहर में, हम मोटरसाइकिल से कहीं मैंने रिपोर्टिंग करने के लिए थाना जाएंगे, DO साहब के पास जाएंगे ऐसा, जब तो मोटरसाइकिल पे जब चढ़ा तो मेरे मोटरसाइकिल का चाबी प्रकाश बल के द्वारा छीन लिया गया। और मौके पे उनकी पत्नी नीलम कुमारी जो कि आंगनबाड़ी सेविका है 4 नंबर में, उसका ड्यूटी 7 बजे से 10:30 बजे लगभग है सर, हमको जहाँ तक जानकारी है, लेकिन 8 बजे के करीब करीब वो विद्यालय में धड़ाधड़ मेरे गाल पे चप्पल चला दी, चाबी तो प्रकाश बोल ने छीन ही लिया। मोटरसाइकिल के डिक्की में मेरा अब तो डर लग गया, उसमें सारा कागजात था सर, आपका मोटरसाइकिल का कागजात था, विद्यालय संबंधी अभिलेख, जरूरी अभिलेख थे, और राशन का जो बकाया पैसा था सर, हमको 25,000 रुपया देना था, वो भी पैसा। तो उसके बाद जब हम सर रिपोर्टिंग करने जाना था, तो हम जब
आगे बढ़े तो देखते जब सागर बहुत जी आगे उनके पिताजी, वो भी गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। हम काफी भयभीत हो गए क्योंकि उनका घर नजदीक है सर। वो आ गए, किसी तरह से जान बचा के जब हम सर बाहर मामला लिया जाएगा। और मामला ऐसा हुआ कि मेरा दांत तोड़ दिया गया हमारे साथ पूरे चेहरे पे, ये मास्टर पे पूरा, ये सर दर्द करता है यहाँ से पूरा, यहाँ कमर में भी काफी मार है, है ना। बच्चे उसके गवाह हैं, क्लास 6-7-8 के सारे बच्चे गवाह हैं, रसोईया गवाह हैं और बहुत सारे लोग भी आ गए थे सर, सारे लोग गवाह हैं। तो सर मेरा ये कहना है कि हम आज भी उसके परिवार से, मुझे जान का खतरा है, मेरे परिवार को जान का खतरा है, हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो है सो हमें न्याय मिले और इसे मतलब जो कानूनी कार्रवाई इस पे होना चाहिए सर, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। सर उनके द्वारा, टोला सेवक के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप उनको जाति सूचक शब्द बोला है। विद्यालय में जाति सूचक शब्द नहीं बोला जाता है। विद्यालय एक ऐसा संस्था है जहाँ की बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं। चैनल पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। जो मेरा जो पद है वर्तमान, वो मैं शिक्षा सेवक पद पर हूँ। किस स्कूल में पद स्थापित है? मध्य विद्यालय बुझायत में मेरा विगत 14 वर्षों से काम कर रहा हूँ सर। जी जी। और मैं अपने संगठन में प्रदेश कमेटी में प्रदेश सचिव पद होने के साथ साथ जम्मू जिला का जिला अध्यक्ष हैं अपने संगठन। और दुख की ये बात है कि हमारे जैसे शिक्षा सेवक के साथ हमारे मध्य विद्यालय बुझायत के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री दशरथ शर्मा जी के द्वारा बात FLN किट जो BRC से प्राप्त हुआ था, उनका आरोप है कि BO साहब प्रदीप कुमार आर्य और राजेंद्र दास और विनय कुमार दास और एक धर्मेंद्र सिंह, इन लोगों के द्वारा जो वितरण किया गया है वो उनके मध्य विद्यालय बुझायत में हमारे विद्यालय के साथ कम दिया गया है, मात्र 75% दिया गया है। और उनका आरोप था कि धर्मेंद्र सिंह को और प्रदीप आर्य को जो है 100% FLN की प्राप्त हुआ है। इसी को लेकर के जो है मुकेश कुमार सिंह जो विद्यालय शिक्षा समिति अध्यक्षा के उनका पत्नी अध्यक्ष है, वार्ड सदस्य है, इसलिए उनका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष सीट होता है। जी, जी, BSS का, BSS का। तो उनका पति और वो जो आपस में कुछ लेन देन का गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें कि मैं बैठ गया कार्यालय में प्रत्येक दिन की तरह और वहाँ जो है उन लोगों को डिस्टर्ब हो गया, तो BO साहब को गाली गलौज करने लगे जो हम बयान नहीं कर सकते, भद्दी भद्दी जाति का नाम लेकर के भद्दी भद्दी गालियां राजेंद्र दास जी को, विनय दास जी को, प्रदीप आर्य को और धर्मेंद्र सिंह को भी भला बुरा कहा। तो मैंने यही कहा कि सर अच्छा बात नहीं है, अरे कोई भी समस्या है तो चलिए हम भी आपके साथ हैं, मिलकर के बात करेंगे BO साहब से, और रही बात जो मिला है उतना ही वितरण कर देना है, जो बच्चे आ रहे हैं जो रेगुलर हैं उनको दीजिए। इसी पर हमको कहा चमार तुम टोला सेवक है, हम हेडमास्टर हैं, तुमको औकात कैसे हो गया? अरे जी सर, मेरा नाम है नीलम कुमारी। क्या करती हैं आप? हम आंगनबाड़ी सेविका हैं, 4 नंबर वार्ड में। जी, प्रकाश बोध की आप पत्नी? जी। प्रभारी का आक्षेप है कि आपके पति उनके साथ मारपीट की? जी बोले हैं, लेकिन सरासर गलत बात। स्थानीय ग्रामीणों का और रसोइयों का आक्षेप है कि आपने भी प्रभारी के ऊपर में चप्पल से मारपीट की, ये सही कहाँ तक है? गलत बात है सर। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? कुछ घटना हुई है प्रभारी के साथ में? Yes. क्या हुआ था? यहाँ पे हुआ था, जैसे हम लोग क्लास चल रहा है तो प्रकाश सर आया, बोला कि छठाला बच्चा को जाने दो, इसमें पकड़ रहा है। दशरथ सर बोला कि बोल नहीं क्लास चल रहा है, नहीं जाने देंगे, इसमें धक्का उक्का हुआ और फिर इसमें लड़ाई हुई। तुम उस समय क्लास में मौजूद थी? Yes. क्या देखा तुमने? और फिर धक्का उक्का हुआ, फिर सब बच्चे चिल्लाए, वीडियो बनाने जब लगा तो प्रकाश सर मोबाइल चुनने खोजा, फिर मोबाइल तो कवर नहीं बाहर में गिर गया, उसके बाद लड़ा पिटा हो गया। किसमें लड़ाई हुई थी? दशरथ सर में प्रकाश। और क्या देखा तुमने? दांत तोड़ दिया। दांत तोड़ दिया? किसका दांत तोड़ दिया? दशरथ सर। नाम बोलो अपना। अंशु कुमारी। क्या हुआ था अंशु कुमारी? यहाँ पे बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ। किसमें खतरनाक झगड़ा हुआ? दशरथ सर के लिए। कैसे मालूम पड़ा ये खतरनाक झगड़ा था? क्या देखा तुमने? देखे हम लोग को क्लास चल रहा था और
सब दस आया लड़ाई करने लगा। कौन आया, कौन लड़ाई करना शुरू कर दिया? कौन पढ़ा रहे थे आपको? दसवा। क्या बात से झगड़ा हुआ? सर बोला तुम प्रकाश से चलो छठा वाला, मतलब चलो छठा रूम। सर बोला कि यहाँ पढ़ाई हो रहा है, यहीं पढ़ो तुम। तो सर बोला चलो, तुम लोग कितना घमंड दिया, चलो चलो। तो सर बोला नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो बोला वो मरिया खाएगा तुम। तो सर बोला सुना दे, यस करता है। हमको भी जाता है ना, तो हमको भी धमकी देता है उसका पत्नी। किसकी पत्नी धमकी देती है? प्रकाश बोध के पत्नी। क्या बोलती है? बोले जाएगा चप्पल वाल खोल के मारवे, जे बोलो देते के को भैया देते मार के दाता हम घर तोड़ दे हेड सर के, और बाद ये बोलते ग्रो मग्रो पर मार दे। मतलब सच्चाई का बयान नहीं कर सकती है? सच्चाई है। सच्चाई का बयान करेंगी तो आपके साथ मारपीट करेंगे। हां बाकी हां सच्चाई बयान करते तो अपन मारती है बचे थे। हां मारपीट बोलो मग्रो मार के बोलो मग्रो मार दे। नाम बताइए अपना। श्रीमती कौशल्या देवी है सर मेरा नाम, और मेरा पति के साथ अत्याचार हो रहा है सर, और हमको चाहिए इंसाफ सर। क्या नाम है आपके पति का? श्री दशरथ शर्मा सर। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ बहुत दिन से अत्याचार कर रहे हैं सर। कौन कर रहे थे? प्रकाश बोस सर। कौन है प्रकाश बोस? यहाँ का टोला सेवक है। मतलब मारपीट हुई, ये सच्चाई है? सच्चाई है सर, सच्चाई।